हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नंबर दे रखे हैं। आपसे कहा है इन नंबर में कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि जो नंबर मिले वो परफेक्ट क्यूब हो। तो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम आप फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले बेटा 81 के हम फैक्टर बनाएंगे। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड करेंगे। यदि आप 3 से डिवाइड करोगे 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करा 1 आएगा। अब बच्चों, ये जो फैक्टर आते हैं आपको बेटा इनकी ग्रुपिंग करना होती है, तीन तीन के जोड़े बनाने होते हैं। देखिए, इन तीन के जोड़े बन गए, ठीक है, लेकिन बच्चों ये 3 बच गया। अब समझना बेटा, 81 आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर 3, और ये बच्चों 3 ये लिखा। अब आपसे कहा है आप बताइए इस नंबर में किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बेटा देखिए, यहाँ बच्चों 3 की पावर 3 बन रही है। यदि हम इस वाले 3 को हटा दें तो ये नंबर परफेक्ट क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। इस तरह से बच्चों आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, जिससे आप बेटा 81 को यदि डिवाइड करोगे तो जो नंबर आएगा वह बेटा परफेक्ट क्यूब होगा। तो आंसर क्या हो गया, 3, या कहिए स्मॉलेस्ट नंबर जो आपसे पूछा वह 3 है। अब बच्चों हम 128 के फैक्टर बनाएंगे। 128 सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए 64, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 32, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 16, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 8, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 4, फिर 2 से डिवाइड करा 2, फिर 2 से डिवाइड करा 1। ये हमने फैक्टर बना लिए। अब बच्चों परफेक्ट क्यूब के लिए आप जानते हो हमें ग्रुपिंग करना होती है, तीन तीन के जोड़े बनाने होते हैं। तो ये बेटा 3 के जोड़े, यहाँ भी बेटा 3 का जोड़ा। अब बेटा ये भागा 2 बच गया, तो बेटा लिख लेते हैं 128। इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। इसे बच्चों 2 की पावर 3 और ये बच्चों 2। अब बेटा आप ध्यान देना, यहाँ बेटा ग्रुपिंग हो गई, तीन तीन के जोड़े बन गए, लेकिन बच्चों ये 2 रह गया जिसकी ग्रुपिंग नहीं हो पाई, या कहिए तीन तीन के जोड़े नहीं बन पाए। तो बच्चों हमें आंसर मिल गया। इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं 2 वह स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे बेटा इस नंबर को यदि डिवाइड किया जाए तो जो नंबर बनेगा वह नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर या आपसे पूछा गया नंबर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। अब बच्चों इस नंबर के फैक्टर बनाएंगे। 135 सबसे पहले बेटा 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 45, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 15, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 5, अब बच्चों 5 से डिवाइड करा 1। ये जो फैक्टर आए हैं बच्चों इनकी ग्रुपिंग करना होती है, तीन तीन के जोड़े बनाने होते हैं। तो बच्चों यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये नंबर बच गया। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 135। इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 और ये 5 लिख लिया। अब बच्चों आप ध्यान देना, यहाँ ग्रुपिंग हो गई, तीन तीन के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 5 नंबर रह गया जिसने बेटा ग्रुपिंग नहीं की, तीन तीन का जोड़ा नहीं बनाया। तो हम कह सकते हैं वह स्मॉलेस्ट नंबर 5 होगा जिससे आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो जो नंबर बनेगा वह परफेक्ट क्यूब होगा। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर 5 है। अब बच्चों इस नंबर के फैक्टर बनाएंगे। 192 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 96, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 48, फिर 2 से डिवाइड करोगे 24, फिर 2 से डिवाइड करोगे 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3, अब बेटा 3 से डिवाइड करोगे 1। बेटा ये जो फैक्टर आए हैं हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे, तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। देखिए ये 1 जोड़ा, ये बेटा 1 जोड़ा। अब ये जो 3 बचा ये ग्रुपिंग नहीं कर रहा, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 192। आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, इसे बेटा 2 की पावर 3 और ये 3 ये लिखा। अब आप ध्यान दीजिए, इस 2 की ग्रुपिंग हो गई, तीन तीन के जोड़े बन गए, यहाँ भी बेटा ग्रुपिंग हो गई, तीन तीन के जोड़े बन गए,
लेकिन बच्चों ये जो तीन नंबर है इसने ग्रुपिंग नहीं की, तीन तीन के जोड़े नहीं बनाए। यदि ये तीन हट जाए तो बेटा ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर तीन है। अब बच्चों इस नंबर के हम फैक्टर निकालेंगे। 704 सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 352। अब बच्चों फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 176। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 88। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 44। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 22। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 11। अब बेटा 11 से डिवाइड कीजिए, 1 आया। ये फैक्टर बन गए। अब बच्चों हमें ग्रुपिंग करना होती है, तीन तीन के जोड़े बनाने होते हैं। ये देखिए ये तीन का जोड़ा, ये बेटा तीन का जोड़ा, 11 बच्चों बच गया, इसने ग्रुपिंग नहीं की, जोड़ा नहीं बनाया। अब बेटा इसे लिख लेते हैं 704। इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। इसे बेटा 2 की पावर 3 और ये बच्चों 11। यदि आप ध्यान देते हो तो यहाँ पावर बच्चों 3 बन रही है, यहाँ भी 3 बन रही है, लेकिन बच्चों 11 बच गया, 3 का जोड़ा नहीं बना पाया, या कहिए 3 पावर नहीं बना पाया। यदि आप 11 को यहाँ से हटा दो तो जो नंबर बनेगा वह बेटा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बेटा हम कह सकते हैं 11 वह स्मॉलेस्ट नंबर हुआ जिससे आप बेटा इस नंबर को यदि डिवाइड कर दो तो जो नंबर बनेगा वह परफेक्ट क्यूब होगा। इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर 11 है। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।